हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। 1,23,064 मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इतनी अधिक संख्या में प्रदेश के किसी अन्य जिले में मजदूरों को काम नहीं मिला है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के कार्यों में मजदूरी पर 20 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। आपको बता दें, जिले में 30 मई 2020 की स्थिति में बालाघाट जिले की 684 ग्राम पंचायतों में कुल 5,246 कार्य प्रगति पर है। इनमें से 4,520 कार्य हितग्राही मूलक कार्य हैं और 726 कार्य सामुदायिक कार्य हैं। इन कार्यों में 2076 कार्य जल संरक्षण और जल समर्थन से जुड़े हैं। मनरेगा के अंतर्गत चल रहे इन कार्यों से जिले के 1,23,064 मजदूरों को रोजगार मिला है। कोरोना महामारी संकट के दौर में जिले में 20 अप्रैल से मनरेगा के कार्यों को प्रारंभ किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मनरेगा के कार्यों में पूरी सावधानी बरती जा रही है। इसके साथ ही काम के दौरान दो व्यक्तियों के बीच कम से कम की दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। बालाघाट का स्थान मनरेगा में प्रथम स्थान आया हुआ है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हम लोग देख रहे हैं, कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन थोड़ा सा ढील मिली, तो क्योंकि उस समय बालाघाट जिला ग्रीन जोन में था, एक भी केस पॉजिटिव नहीं थे, तो शासन के भी निर्देश थे कि क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ बाहर से मजदूर बहुत सारे वापस आए हैं, उसमें भी बालाघाट जिला प्रदेश में संभवतः फर्स्ट स्थान पर ही सर्वाधिक मजदूर हमारे जिले में लौट के आए हैं, तो उसको देखते हुए हमारा ये हमें निर्देश थे और हमारा ये प्रयास था कि अधिकतर लोगों को हम काम दे सकें मनरेगा के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रोजगार उपलब्ध करा सकें। तो हम लोगों ने जिले में ये प्रयास किया कि हर पंचायत में मैक्सिमम जो काम पहले से चल रहे थे वो चालू हो जाए और दूसरे नए जो हमारे वाटर कंजर्वेशन के काम है वो शुरू हो। तो इस ये सब जो हमारे काम शुरू हुए इससे